महोदय, आपकी दोगली नीति पे हमको सर मारा है। दोगली नीति आपकी, अभी क्या हुआ नेता प्रतिपक्ष? हो गया नेता प्रतिपक्ष, अभी क्यों चुप है? दोगली नीति है वजह कि आप अगर अपनी महिलाओं का, अपने तरफ की महिलाओं के लिए आप बोल सकते हैं कि नहीं उनको मौका दिया जाए, तो हमारे लिए भी आप बोलेंगे ना? गुस्साने की वजह हमारा समय खत्म हो रहा था। पहला, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पे जो कि सदन में नहीं है उनके बारे में नहीं कहना है, तो वो लोग बार बार क्यों कह रहे हैं आरएसएस के बारे में? आप अगर महिला है तो उठ जाइए, आप ही लोग बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष से ये गुजारिश करते हैं, जैसे आप अनीता जी का ख्याल रखे अपने सदस्य के, उधर के सदस्य का, तो इधर का भी ख्याल रखना था। जब अपोजिट वाले बोले तो आपको बोलना था हमारे तरफ से। देखिये, बिहार विधानसभा के बजट सत्र का सातवां दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, और इसी महिला दिवस को लेकर के ही आज बिहार विधानसभा के अंदर सदन में कार्यवाही हुई। देखिये, कृषि बजट पर बीजेपी विधायक निशा सिंह बोलने खड़ी हुई थी, चूंकि आज सभी महिला विधायकों को समय दिया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद कहा था कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए आज महिलाओं को खूब समय मिला। और निशा सिंह जब कृषि बजट पर बोलने उठी तो विपक्ष ने उन्हें रोक दिया। निशा सिंह गुस्सा हो गई और उन्होंने साफ तौर पे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कहा कि आप क्यों नहीं रोक रहे हैं अपने विधायक को, जब वो हमारे बीच में आकर बोल रही हैं, तो अभी आपको रोकना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष दोगली नीति अपना रहे हैं और मुझे इससे शर्म आ रही है। निशा सिंह ने साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कहा। तेजस्वी यादव ने फिर खड़े होकर कहा कि आप बोलिए, आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा, बीजेपी की विधायक है निशा सिंह। और सदन खत्म होने के बाद निशा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है और क्या सफाई दी है, आप सुनिए। विपक्ष जब सदन की मर्यादा को जब नहीं रखा जाएगा तो उसमें तो विफलना जरूरी है, जबकि नेता प्रतिपक्ष जब हमेशा कहते हैं कि संविधान, जब संविधान में कहने की बात है, तो जब हमारे सदन में इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पे जो कि सदन में नहीं है उनके बारे में नहीं कहना है, तो वो लोग बार बार क्यों कह रहे हैं आरएसएस के बारे में? तो इसमें हमारा विफलना तो जरूरी है, क्योंकि हम बीजेपी से हैं और बीजेपी का हर लोग जमीनी तौर से जुड़े हुए हैं। वैसे हम लोग हवा में तीर नहीं मारते हैं। गुस्साने की वजह हमारा समय खत्म हो रहा था, पहला। और नेता प्रतिपक्ष जब अपने तरफ की महिलाओं का जब सुरक्षा या उनके लिए बोलने के लिए टाइम मांग सकते हैं, तो हमारी भी समय और हमारे वक्त में नहीं बोलने के लिए अपने तरफ के सदस्यों को जरूर बोलेंगे ना, कि जरूर बोलेंगे इस बात को कि नहीं माननीय सदस्य उस तरफ के ही है, मानते हैं, पर उनको बोलने का मौका देना चाहिए। हमारा समय इस तरह, हालांकि हमारा समय बहुत तरह कटौती हो गया, हमको कम समय में अपनी बातों को रखना पड़ा। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया उसको लेकर क्या कहें? नहीं, हम कोई भी भाषा आपत्तिजनक नहीं कहें। दोगली नीति है वजह कि आप अगर अपनी महिलाओं का, अपने तरफ की महिलाओं के लिए आप बोल सकते हैं कि नहीं उनको मौका दिया जाए, तो हमारे लिए भी आप बोलेंगे ना कि नहीं माननीय सदस्य को बोलने देना चाहिए, तो दोगली नीति नहीं हुई। तो महिलाओं को हम लोग की तरफ से नहीं रोका जा रहा था, उन लोग नेता विरोधी दल ने हम लोग का समय खाया। सम्मान, हाँ, बात है बड़ी बड़ी, पर ग्रास रूट से कोई बात होती नहीं है। जी जी, लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।